सिंपल इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर से बन रहा है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये पूछा है। तो कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इमेज को इस साइड बनना पड़ेगा। अब इमेज इस साइड बन रहा है तो वी पॉजिटिव होगा, और कौन मैग्निफिकेशन कितना होता है, माइनस वी बाई यू। इरेक्ट है इमेज तो मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये पूरा टर्म को पॉजिटिव होने के लिए वी और यू का साइन को अपोजिट होना पड़ेगा, मतलब वी पॉजिटिव है तो यू क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, और कॉनकेव मिरर का एफ तो नेगेटिव होता ही है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि वी बाय एफ को नेगेटिव होना पड़ेगा एंड यू बाय एफ को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब ग्राफ वी बाय एफ और यू बाय एफ का प्लॉट करना था, तो वी बाय एफ नेगेटिव है और यू बाय एफ पॉजिटिव है, तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पे, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम वैल्यू पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्रिज्म का, ताकि लाइट इससे पास हो जाए। तो प्रिज्म से अगर लाइट को पास कराना है तो हमें पता है कि ए को 2c से छोटा होना पड़ेगा, तभी प्रिज्म से लाइट पास होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ए बाई टू को c से छोटा होना पड़ेगा, तो साइन ए बाई टू को साइन सी से छोटा होना पड़ेगा, और साइन सी को हम लिख सकते हैं 1 बाय म्यू। यहाँ पे आ जाएगा कि म्यू को छोटा होना पड़ेगा कोसेक ए बाई टू से। अब कोसेक को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। म्यू को छोटा होना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई टू से। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू यही पॉसिबल है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि मंकी का वेट 10 kg है और वो क्लाइम अप कर रहा है, ब्लॉक का मास 15 kg है, ब्लॉक को जस्ट रेज करना है, तो मंकी का क्या कंडीशन होगा। अब ब्लॉक को जस्ट रेज करना है तो ये टेंशन को मिनिमम कितना होना पड़ेगा, 150 से हल्का सा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 150 होना पड़ेगा। अब हम लोग इस मंकी को सिस्टम मान लेंगे। इस मंकी में नीचे की तरफ mg लग रहा है 100, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है 150। अब इसमें न्यूटन्स लॉ लगा देंगे हम, इसमें न्यूटन्स लॉ का क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे मेरा यहाँ से मास इज 10 kg, सॉरी, यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा 5 m/s² इन अपवर्ड डायरेक्शन, और 5 को हम लोग जी बाई टू लिख सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन या तो 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इस गिवन अरेंजमेंट में सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ से जो करंट जाएगा, और फिर बैटरी को उल्टा कर दोगे तो सिमेट्रिकल सर्किट है, तो इस पार्ट का भी करंट उतना ही होना चाहिए, तो ये और ये करंट सेम होगा। सिमिलरली ये और ये करंट भी सेम होगा, तो ऐसे सारे करंट सेम होंगे। अब देखो यहाँ से आई आया तो यहाँ से भी आई गया, तो फिर इस पार्ट से करंट ही नहीं जाएगा, उसको हम हटा देंगे। सिमिलरली ये भी करंट सेम है तो इस पार्ट से करंट नहीं जाएगा, ऐसे ही ये बीच वाले सारे हट जाएंगे, बीच वाले सारे रेजिस्टेंस हट जाएंगे। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसका आर ई क्यू हम आर ई क्यू एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद का पार्ट को देखोगे तो सेम सीरीज वापस रिपीट हो रहा है, तो इनका भी आर ई क्यू को कितना होना पड़ेगा, आर